हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीट कोड मे चैलेंज की फर्स्ट फोर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मे 1-2 मे 4 की फोर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इन सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ डिस्कस करने का पर्पज है क्योंकि इनमें सेम कंसेप्ट टू पॉइंटर का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो हम इन चारों प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी है रिवर्स प्रीफिक्स ऑफ वर्ड। इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और एक करेक्टर सी एच दिया हुआ है। हमें करना क्या है, जहां पर भी इस करेक्टर सी एच की फर्स्ट ऑकरेंस आ रही हो हमारे स्ट्रिंग में, हमें जीरो से लेकर वहां तक फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ सी एच वहां तक के स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। जैसे अगर हमारा स्ट्रिंग क्या है, ए बी सी डी ई एफ डी, इस तरह से दिया है और हमें करेक्टर दिया है डी, तो डी फर्स्ट टाइम कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो हमें जीरो से लेकर इस डी तक यानी कि ए बी सी डी इसको रिवर्स कर देना है, डी सी बी ए बाकी स्ट्रिंग एज इट इज रह जाएगा। तो हमें ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग रिटर्न करना है, जीरो से लेकर फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ करेक्टर वहां तक स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो, बाकी एज इट इज रख दो। जैसे हम एक और एग्जांपल देखें, ये हमारा स्ट्रिंग है, हमें करेक्टर जेड दिया है, जेड यहाँ पर आ रहा है, तो एक्स वाई एक्स जेड इसको हमें रिवर्स कर देना है, बाकी हमारा स्ट्रिंग एक्स ही एज इट इज रह जाएगा। तो सिंपली इस प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं, एक लूप लगाएं, जहां पर भी हमें फर्स्ट ऑकरेंस मिल जाए इस करेक्टर की, हम करेक्टर को कंपेयर करते जाएं, जहां पर भी हमें फर्स्ट ऑकरेंस मिल जाए, तो हमें फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स मिल गया, हमें जीरो, ये तो फिक्स आई, तो हम जीरो से लेकर यहां तक के स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें और फिर हमारे फाइनल स्ट्रिंग को रिटर्न कर दें। हम सिंपली क्या करें, हमारे इस वर्स्ट स्ट्रिंग में लूप लगा दें, हर एक करेक्टर को चेक करते जाए, जैसे ही हमें सी एच मिल जाए यानी कि हमें इसकी फर्स्ट ऑकरेंस मिल गई, तो हमें क्या करना है, जीरो से लेकर जो हमें इंडेक्स मिला वहां तक का हमें रिवर्स करना है। और रिवर्स कैसे करते हैं, मान लो हमारा स्ट्रिंग है ए बी सी डी, तो हम एक पॉइंटर यहां पर लेते हैं स्टार्टिंग में, एक पॉइंटर एंड पर ले लेते हैं, जहां से जहां तक का हमें रिवर्स करना है। मान लो हमारा स्ट्रिंग होता है ए बी सी डी ई ई एफ, हमें ए से डी यहां तक का रिवर्स करना है, तो फर्स्ट पॉइंटर हमारा जहां से स्टार्ट करना है रिवर्स करना, और जहां पर एंड करना है वहां पर हमारा जेथ पॉइंटर। फिर जब तक आई हमारा जे से छोटा है हम लूप लगाते हैं और आई और जे इनको स्वैप कर देते हैं, यहाँ पर आ गया डी, यहाँ पर आ गया ए, और आई को एक आगे ले जाओ, जे को एक पीछे ले जाओ। इस काम को तब तक करो जब तक आई हमारा जे से छोटा है, तब हमारा अगेन आई जे से छोटा है, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे, सी भी आई हमारा आ जाएगा यहाँ पर, जे हमारा आ जाएगा यहाँ पर, आई अब जे से बड़ा हो गया तो इस प्रोसेस को स्टॉप कर दो, तो हमारा स्ट्रिंग ए बी सी डी से डी सी बी ए रिवर्स हो गया। स्टार्ट पॉइंट आई, एंड पॉइंट जे, जब तक हमारा स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट से छोटा है, आई और जे के करेक्टर्स को स्वैप करो, आई को एक आगे ले जाओ, जे को एक पीछे ले जाओ, इससे हमारा स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा। और आगे के स्ट्रिंग को हमें कुछ करना नहीं है, तो जब हमारा स्ट्रिंग रिवर्स हो जाए तो वहां से ब्रेक मार जाओ, ताकि लास्ट में हम हमारे स्ट्रिंग को रिटर्न कर सके। इसकी हमारी टाइम लिस्टी क्या रहेगी, हम सिंपली एक एन साइज का लूप लगा रहे हैं, जब तक हमें फर्स्ट ऑकरेंस नहीं मिलती तब तक तो हम इस लूप में वापस आते रहेंगे। जब हमें फर्स्ट ऑकरेंस मिलेगी तो हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, रिवर्स करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एन बाई टू साइज का लूप लगा रहे हैं, एक बार में हमारा आई एक आगे जा रहा है, जे पीछे जा रहा है, यानी एन बाई टू टाइम्स हमारा लूप चलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी ओवरऑल टाइम ह्यूरिस्टिक क्या है, ओ ऑफ एन, क्योंकि एन बाई टू केवल एक ही टाइम चलेगा, जब हमें फर्स्ट ऑकरेंस मिल गई तभी ये हमारा एक टाइम के लिए लूप चलेगा, ये हर बार नहीं चलेगा। तो ओवरऑल हमारी टाइम ह्यूरिस्टिक क्या रहेगी, एन प्लस एन बाई टू, जिसको हम कह सकते हैं ओ ऑफ एन, और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ओ ऑफ वन। नाउ सेकंड में की प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट एग्जिस्ट विद दिस नेगेटिव। हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसमें जीरो नहीं है, हमें करना क्या है, ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करना है जिसका नेगेटिव भी हमारे एरे में एग्जिस्ट करता हो, यानी कि के भी हमारे एरे में एग्जिस्ट करता हो और माइनस के भी हमारे एरे में एग्जिस्ट करता हो, और वो सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के हो, वो हमें रिटर्न करना है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हो, तो उस केस में हमें माइनस वन रिटर्न करना है। जैसे अगर हम ये एरे ले माइनस वन टू माइनस थ्री थ्री, इसमें अगर देखें माइनस थ्री भी एग्जिस्ट करता है, थ्री भी एग्जिस्ट करता है, तो थ्री हमारा एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो गया, और अगर हम इस एरे में देखें और कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो यही थ्री हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला एग्जांपल देखूं,
इसमें माइनस फाइव और फाइव ये पेयर एग्जिस्ट करता है, यानी कि फाइव मेरा एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। फिर मेरा टू और माइनस टू ये भी एग्जिस्ट करता है, तो टू भी मेरा एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। लेकिन मुझे रिटर्न क्या करना है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी कि फाइव। सारे पेयर को कंसिडर करना है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जिस्ट करता हो, लेकिन रिटर्न क्या करना है, जो भी लार्जेस्ट ये वाला पेयर एग्जिस्ट करता हो। तो इसके लिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फाइव। अगर मैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखूं तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपली हर एक नंबर को लू, जैसे वन को लिया, पूरे एरे पर लूप लगाऊं, देखू क्या माइनस वन एग्जिस्ट करता है, करता है तो ये मेरा एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो गया। फिर मैं नेक्स्ट नंबर को देखू, माइनस फाइव, क्या इसका अपोजिट फाइव एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है तो ये मेरा एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो गया। फिर सेवन के लिए देखू, फिर फाइव के लिए देखू, फिर माइनस टेन, हर एक के लिए मैं देखू कि क्या उसका कोरस्पॉन्डिंग पेयर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, करता है तो वो मेरा एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो गया। और ऐसा जो भी मुझे लार्जेस्ट नंबर मिलेगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। इससे मेरी टाइम लिस्ट क्या आई, मैं हर एक नंबर को चेक कर रहा हूँ, यानी कि एन साइज का लूप लगा रहा हूँ, और उसके अंदर चेक करने के लिए कि उसका अपोजिट पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं, मैं फिर से एक एन साइज का लूप लगा रहा हूँ, यानी मेरी टाइम वेलोसिटी एन इंटू एन, एन स्क्वेयर में जा रही है। इसको हम बेटर कैसे करें, एरे की प्रॉब्लम है तो जनरली हमारे दिमाग में सबसे पहले दो चीजें आएंगी कि हम एरे को सॉर्ट करके देखें, सॉर्ट करने से हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड, हम इस पर हैशिंग लगा कर देखें कि उससे हमें कुछ बेटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो दोनों ही अप्रोचेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर दें तो सॉर्टेड एरे हमारा ये होगा, नेगेटिव नंबर सारे इस तरफ, पॉजिटिव नंबर सारे इस तरफ, और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे इस तरह से। अब जब हमने एरे को सॉर्ट कर दिया तो हम इस पर टू पॉइंटर टेक्निक अपनी लगा सकते हैं। कैसे, हम दो पॉइंटर ले, आई और जे, एक स्टार्टिंग में एक एंड में, हमें अपोजिट पेयर्स ढूंढने हैं, यानी कि एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, सेम होने जैसे थ्री माइनस थ्री, इस तरह से हमें अपोजिट पेयर ढूंढने हैं, यानी कि एक नंबर का माइनस, जैसे माइनस टेन है, इसका माइनस कितना आएगा, टेन आएगा, और इसका एज इट इज ट्वेंटी, हमें इन दो चीज को कंपेयर करना है। क्यों, क्योंकि अगर देखो माइनस थ्री का नेगेटिव कितना है, थ्री, और ये नंबर एज इट इज थ्री, ये दोनों नंबर सेम होंगे तभी हमारा एक पॉजिटिव और नेगेटिव का पेयर एग्जिस्ट करेगा। एक नंबर का नेगेटिव और दूसरे को एज इट इज रख के हमें कंपेयर करना है, ये दोनों सेम नहीं है, टेन ट्वेंटी सेम नहीं है, यानी कि ये तो हमारा पेयर एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम किस पॉइंटर को मूव करें, हमें पता है कि हमारा एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो जब यहां पर हमारा माइनस टेन है और यहां पर ट्वेंटी है, तो अगर मैं इसमें और आगे जाऊंगा, यहां पर जाऊंगा, तो मेरा टेन से छोटा ही नंबर आएगा। फिर जब मैं इसको कंपेयर करूंगा, माइनस सेवन का नेगेटिव क्या आएगा, सेवन, वो मेरा इससे छोटा ही होना है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेरा टेन ट्वेंटी से छोटा था और मैं और छोटे नंबर की तरफ जा रहा हूं, तो इससे मेरा होगा क्या, ये दोनों नंबर कभी सेम हो ही नहीं सकते, इसलिए जो नंबर बड़ा हो मुझे उस साइड से मूव करना है। जैसे 10 को मैं यहां पर फिक्स कर दूंगा, J को मैं यहां पर ले आऊंगा, अब मेरा आई 10 पर ही है, तो मैं 10 और 15 इनको कंपेयर करूंगा, इक्वल नहीं है और अभी भी J मेरा बड़ा है, तो मैं अगेन J को एक शिफ्ट कर दूंगा। अब मेरा 8 आ गया, यहां पर 10 है, ये अभी भी मैच नहीं कर रहे, लेकिन अब मेरा ये 10 बड़ा है, तो मैं I को मूव कर दूंगा, जो भी बड़ा नंबर होगा मैं उसको मूव करूंगा, ताकि दोनों आपस में क्लोज आए और उनके मीट करने के चांसेस इंप्रूव हो। जैसे अब देखो यहां पर माइनस सेवन और यहां पर एट आ गया, तो मैं इसका नेगेटिव सेवन और एट को कंपेयर करूंगा, इक्वल नहीं है, तो मुझे एक पॉइंटर को मूव करना है, किसको मूव करूंगा, जो मेरा बड़ा होगा, एट मेरा बिगर है, तो मैं जे को एक यहां पर मूव कर दूंगा, अगेन इनको कंपेयर करूंगा, फाइव और सेवन सेम नहीं है, तो मैं अगेन आई को एक आगे मूव करूंगा। अब मेरा माइनस फाइव, इसका ऑपोजिट क्या होगा, फाइव, फाइव और फाइव ये मेरे इक्वल आ गए, तो ये मेरा एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो गया। और क्योंकि मैं दो एक्सट्रीम एंड से मूव कर रहा हूँ, दो एक्सट्रीम एंड से मूव कर रहे हैं, तो मेरी दोनों ही केस में यहां से जब पीछे की तरफ आऊंगा वैल्यू घटेगी, यहां से भी इस तरफ जाऊंगा नेगेटिव नंबर से इस तरफ जाऊंगा तो भी वैल्यू घटेगी, जैसे फाइव के कोरस्पॉन्डिंग टू आएगा फिर वन आएगा, मेरी वैल्यू कम ही होगी। तो जो भी मुझे इस तरह से फर्स्ट पेयर मिलेगा वही मेरा आंसर होगा। जैसे अगर मैं देखूं मेरे टू और माइनस टू ये भी पेयर आ रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि एक्सट्रीम एंड से अपनी बाउंड्री को लिमिट कर रहा हूं, तो जो भी फर्स्ट पेयर मुझे आंसर मिलेगा, जो भी फर्स्ट पेयर ऐसा मिलेगा जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों एग्जिट करता हो, वही मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे अगर मैं चेक करूंगा तो जो भी पेयर मुझे मिलेंगे
वो इससे छोटे ही होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे एरे को सॉर्ट कर दे रहे हैं। सॉर्ट करने में टाइम कंसेप्ट कितनी लगी, एन लोग ऑफ एन। उसके बाद हम सिंपली टू पॉइंटर कंसेप्ट लगा रहे हैं कि दो एक्सट्रीम एंड पर अपने पॉइंटर्स रख दो, उनको कंपेयर कर लो, सेम है तो हमें पेयर मिल गया, नहीं सेम है तो हमें क्या करना है, जो भी बिगर नंबर है उसकी साइड से बाउंड्री को छोटा करना है। जैसे 20 बड़ा था तो यहां से पॉइंटर को एक पीछे ले जाना है, 15 की तरफ लेके जाना है, ताकि उनके मीट करने के चांसेस इंप्रूव हो। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करें, एक एन साइज का लूप लगा रहे हैं। तो हमारी टाइम लिस्ट क्या आएगी, एन लॉग ऑफ एन प्लस ऑफ एन। तो हमारी डोमिनेट क्या करेगी, एन लॉग ऑफ एन। एक बार हम इस अप्रोच का कोड देख लेते हैं, फिर हम हैशिंग वाली अप्रोच को डिस्कस कर लेंगे। कोड में हमें एक इंटीजर एरे दिया था, सबसे पहले हमने उसे सॉर्ट कर दिया, फिर हमारे दो पॉइंटर लिए, एक जीरो पर एक एरे के लास्ट एलिमेंट पर। फिर जब तक हमारा लेफ्ट राइट से छोटा है, हमारे पॉइंटर्स मीट नहीं कर जाते, तब तक हमें क्या करना है, अगर हमारे नंबर्स इक्वल है, एक नंबर का नेगेटिव दूसरा एज इट इज, अगर ये इक्वल है तब तो हमें पेयर मिल गया और हमें वो रिटर्न कर देना है। अदरवाइज जोन सा हमारा बड़ा हो, जैसे लेफ्ट साइड का एलिमेंट बड़ा है तो लेफ्ट प्लस प्लस, राइट का बड़ा है तो राइट माइनस माइनस। इस तरह से अगर इस लूप में हमें नंबर मिल गया तो यहां से रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो हमें माइनस वन रिटर्न करना है, कि कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे एरे में एग्जिट करता हो। नेक्स्ट हम हैशिंग वाली अप्रोच देख लेते हैं। हमें दिया है कि हमारे एरे की रेंज क्या है, -1000 टू +1000। जो हमारे एरे की वैल्यूज हो सकती हैं वो केवल इसी रेंज में हो सकती है। 1000 एक छोटा नंबर है, यानी कि अगर हम इस साइज का एरे ले लें, यहां पर हमारे इस एरे में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 20, तो मैंने 20 साइज का एक एरे लिया है, और क्योंकि काउंटिंग हमारी जीरो से शुरू होती है तो 20 + 1 21 साइज का एक एरे ले लिया, जिसको मैं एज ए हैश मैप की तरह यूज करूंगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आए तो इस टाइप का कोई नंबर चाहिए, उसको स्टोर करना है। तो मेरा पॉजिटिव जब आए तो मैं एक पर्टिकुलर नंबर इसमें स्टोर कर दूं, नेगेटिव जब आए तो एक पर्टिकुलर नंबर इसमें स्टोर कर दूं। जैसे जब पॉजिटिव आए तो मैं बोलता हूं कि मैं अपने नंबर का फर्स्ट बिट सेट कर दूंगा, और जब नेगेटिव आए तो सेकेंड बिट को 1 कर दूंगा। इससे मेरी वैल्यूज कैसे पता चलेंगी, अगर केवल फर्स्ट बिट सेट है यानी कि मेरा केवल पॉजिटिव नंबर आया, अगर केवल सेकेंड बिट सेट है तो मेरा नेगेटिव नंबर आया, अगर दोनों बिट सेट है तो मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आए हैं, यानी कि मेरी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1, 2 और 3। 1 केवल पॉजिटिव आया है, 2 केवल नेगेटिव आया है, 3 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आए हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। सबसे पहले आए हम 1 पर, ये हमारा पॉजिटिव है, तो यहां पर हम वैल्यू को 1 कर देंगे, बेसिकली फर्स्ट बिट को सेट कर देंगे, वैल्यू 1 हो गई। फिर आया -5, तो हमें नेगेटिव मिला तो 5 पर हम 2 सेकेंड बिट को सेट कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर आया -7, नेगेटिव नंबर है तो 7 पर हम 2 राइट कर देंगे। फिर आया 5, ये पॉजिटिव नंबर है तो हम फर्स्ट बिट को सेट कर देंगे, पहले हमारी वैल्यू 2 थी, हमने फर्स्ट बिट को सेट कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और हमें वैल्यू 3 मिल गई, इसका मतलब क्या है कि हमें पॉजिटिव भी मिला है नेगेटिव भी मिला है, तो हमें एक रिक्वायर्ड पेयर मिल गया, तो हम 5 को एज ए कैंडिडेट स्टोर कर लेंगे। फिर इसको ट्रेवर्स करते हुए जब हमें कोई बेटर पेयर मिलेगा तो अपने आंसर को अपडेट कर देंगे, अगर इक्वल या फिर इससे छोटा पेयर मिलेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हमें -10 पर, तो 10 पर हम 2 राइट कर देंगे, 2 पर है पॉजिटिव नंबर है, यहां पर 1 राइट कर देंगे, -2 सेकेंड बिट सेट कर देंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 2 = 3। फिर से हमें पेयर मिल गया, हमारा पेयर क्या है, 2। हम इसको अपने आंसर से कंपेयर कर लेंगे, 5 से छोटा है तो इसको इग्नोर कर देंगे। फिर आए 15 पर, पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर 1 सेट कर देंगे, 8 पर आए 1 सेट कर देंगे, 20 पर आए यहाँ पर 1 सेट कर देंगे। अब हमारा एरे खत्म हो गया, हमें केवल दो पेयर मिले, 5 और 2, और बड़ा पेयर कौन सा था, 5 का, तो वो हम रिटर्न कर देंगे। तो इस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी रेंज छोटी है इसका यूज कर रहे हैं, हम एक रेंज के कोरस्पॉन्डिंग 1000 साइज का एरे ले रहे हैं, फिर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव केवल ये दो इंडिकेटर्स चाहिए, तो यहां पर हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं, कि अगर हमारा पॉजिटिव है तो फर्स्ट बिट को सेट कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो सेकंड बिट को सेट कर देंगे। इससे हमारी 3 वैल्यूज हो सकती है क्वेश्चन पर, 1, 2, 3। 1 मतलब पॉजिटिव है, 2 मतलब नेगेटिव दिखा है, 3 मतलब दोनों दिखे हैं। डिफॉल्ट वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0, कि ना हमें पॉजिटिव दिखा है ना हमें नेगेटिव दिखा है। इस तरह से जब भी हमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगी, हम हमारे आंसर से कंपेयर कर लेंगे कि हमें एक बड़ा पेयर मिला है या नहीं मिला, अकॉर्डिंगली अपने आंसर को अपडेट कर देंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी,
हम सिंपल एरे पर एक एन साइज का लूप लगाएंगे, पर इससे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या जाएगी, ओ ऑफ एन, क्योंकि हमें एन दिया है 1000 और यही हमारी रेंज भी है, तो हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही ओ ऑफ एन आ जाएगी। कोड की अगर बात करें तो कोड में सिंपली हम एक एरे ले लेंगे हमारे रेंज का, उसको डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हमें आंसर फाइंड आउट करना है, डिफॉल्ट आंसर हम -1 मान लेंगे, क्योंकि अगर हमें कोई भी पेयर नहीं मिला तो हमें -1 रिटर्न करना है, जिसको हम डिफॉल्ट आंसर मान लेंगे। फिर अपने एरे के एलिमेंट्स का लूप लगाएंगे, अगर हमारा एलिमेंट नेगेटिव है तो हम उसे फर्स्ट बिट को सेट करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो हम सेकेंड बिट को सेट करेंगे। अब इसके बाद अगर हमें दोनों मिले, यानी कि हमारे वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और अगर जो नंबर हमें पेयर मिला है वो हमारे करंट आंसर से बड़ा है तो हम आंसर को भी अपडेट कर देंगे। पहले हम बिट को सेट कर रहे हैं, उसके बाद हम चेक करें कि क्या हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिले हैं। वो कैसे चेक हो रहा है, वहां पर अगर वैल्यू 3 हो गई है, यानी कि हमें पॉजिटिव भी मिला है नेगेटिव भी मिला है, उस केस में जो हमारा पेयर है उसको हम अपने आंसर से कंपेयर कर ले रहे हैं, जो भी बड़ा होगा वो हमारे आंसर में स्टोर हो जाएगा और लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। इससे अब हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही ऑफ एन आ जाएगी। थर्ड में एक ही प्रॉब्लम है, हमें क्या दिया है, कंपेयर वर्जन नंबर्स। हमें दो स्ट्रिंग दिए हैं, वर्जन 1 वर्जन 2, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि हमारा एक वर्जन दूसरे से छोटा है, हमारा फर्स्ट वर्जन दूसरे से बड़ा है, या दोनों इक्वल है। अकॉर्डिंगली हमें -1, 1 और 0 रिटर्न करना है। कंपेयर करने के लिए रूल क्या दिया है, हमारे जो भी वर्जन नंबर्स होंगे वो डॉट सेपरेटेड होंगे, जैसे 2.34.57, इस तरह से डॉट सेपरेटेड वर्जन नंबर्स होंगे, और जो भी डॉट से पहले वाला पार्ट होगा, जैसे ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसकी जो इंटीजर वैल्यू होगी वो इसका वर्जन नंबर इंडिकेट करेगी। जैसे वर्जन नंबर क्या हो गया, इंट में 2, फिर इस डॉट को स्किप करना है, फिर 34, फिर 57, तो हमें कोरस्पोंडिंग डॉट के कोरस्पोंडिंग इंटीजर्स को कंपेयर करना है। जैसे यहां पर दिया कि दो वर्जन है जो हमारे स्ट्रिंग के, उनमें क्या है, ये हर एक डॉट वाला पार्ट जो है रिविजन को इंडिकेट कर रहा है, हमारी हर एक रिविजन डॉट से सेपरेटेड है, और जो एक रिविजन की वैल्यू है, जैसे 2 हो गया, 34 हो गया, 57 हो गया, वो क्या है, जो भी हमारा ये स्ट्रिंग है इसका इंटीजर कन्वर्टेड, अगर लीडिंग 0 जैसे 034 होता तो लीडिंग 0 को इग्नोर करके ये भी हमारा 34 ही होता। और हमें कंपेयर कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। जैसे मान लो हमारा एक स्ट्रिंग है 1.9, दूसरा स्ट्रिंग है 2.0, तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, पहले इसको इसको कंपेयर करना है, यहाँ पर हमारा 2 1 से बड़ा है तो ये वाला वर्जन हमारा बिगर हो जाएगा। साथ में हमें एक और कंडीशन क्या दिया है कि अगर किसी वर्जन स्ट्रिंग में हमारी फ्यूअर रिविजन हो, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग होता हमारा 1.0, दूसरा होता हमारा 1.0.0.0, तो इसमें क्या है, 4 रिविजन है, इसमें केवल 2 ही रिविजन है, तो जो हमारी मिसिंग रिविजन होगी उनको हमें 0 कंसिडर कर लेना है और फिर अपना कंपेरिजन परफॉर्म करना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें 1.2 और एक 1.3, 1 1 हमारे सेम है तो हम सेकेंड डिवीजन कंपेयर करेंगे, यहाँ पर वैल्यू 2 है, यहाँ पर वैल्यू 10 है, यानी कि हमारा वर्जन 2 बिगर है, तो उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। अगर हम ये देखें 1.01 1.001, ये दोनों अगेन सेम है, इसकी इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, इसकी इंटीजर वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी, ये भी दोनों सेम है, हमारे वर्जन खत्म हो गए, यानी कि दोनों इक्वल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें 0 रिटर्न करना है। थर्ड एग्जाम्पल हमें क्या दिया, 1.0 और 1.0.0.0, तो इसमें हमारी रिविजन कम है तो बचे हुए रिविजन को हम डिफॉल्ट 0 मान लेंगे, ये हमारी सेम है, ये हमारी सेम है, ये हमारी सेम है, ये हमारी सेम है, तो ये वर्जन भी इक्वल है, तो अगेन हमें 0 रिटर्न करना है। तो सिंपली हमें लेफ्ट टू राइट कंपेरिजन को परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या करना है, जो भी डॉट तक का पॉइंट है वहां तक के स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, फिर इनको कंपेयर कर लो, अगर सेम है तो नेक्स्ट वाले पार्ट पर चले जाओ और फिर से इंटीजर में कन्वर्ट करो और कंपेयर कर लो, जहां पर भी हमारे ये डिफरेंट हो गए, एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से छोटा हो गया, वहां पर हमें हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर रिटर्न कर देना है। अगर पूरा स्ट्रिंग ट्रैवर्स करने के बाद भी हमें कोई डिफरेंस नहीं मिला तो हमें 0 रिटर्न कर देना है। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें लीडिंग 0 को इग्नोर करना है, जैसे 0 1 है, 0 0 1 है, ये हमारी सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड, अगर हमारी कुछ रिविजन मिसिंग है, जैसे 1.0.0.0 थी, तो बची हुई रिविजन को हमें बाई डिफॉल्ट 0 मान लेना है, कि वहां पर कोई रिविजन नहीं है तो हमें उसके रिविजन को 0 मान लेना है। हमें बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, बाकी सिंपली हमें लेफ्ट टू राइट करते जाना है, पहले फर्स्ट रिविजन को कन्वर्ट करो, सेकेंड वर्जन की फर्स्ट रिविजन को कन्वर्ट करो, कंपेयर कर लो, सेम है तो आगे बढ़ जाओ, सेकेंड रिविजन को कंपेयर कर लो, फिर थर्ड को कर लो, फिर फोर्थ को कर लो, इसी तरह से जहां पर हमें फर्स्ट डिफरेंस मिले वहां पर अपने आंसर को रिटर्न कर देना है।
हमें दो स्ट्रिंग दिए वर्जन वन और वर्जन टू। हमने एक पॉइंटर वर्जन वन पर लिया, एक पॉइंटर वर्जन टू पर लिया। फिर जब तक दोनों में से किसी भी की रिवीजन पेंडिंग है, कि किसी की रिवीजन स्कैन होना पेंडिंग है, तब तक हमें लूप लगाना है। और अगर किसी वर्जन में रिवीजन हमारी कम है तो हमें क्या करना है, उनको बाय डिफॉल्ट जीरो मान लें। तो हमने यहां पर वही किया है, जीरो बाय डिफॉल्ट मान लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्जन वन का जो स्ट्रिंग था अप टू डॉट तक, जैसे मान लो टू थ्री फोर डॉट समथिंग समथिंग था, इस पार्ट को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। हमने वही किया है, हमने लूप लगाया, जब तक हमें डॉट नहीं मिल जाता तब तक हमने लूप लगाया है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया है। इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमारी प्रीवियस वैल्यू इंटू 10 यानी कि 0 प्लस वर्जन आई माइनस 0 यानी कि प्लस 2, हमारी वैल्यू आ गई 2। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 इंटू में 10 प्लस ये वाली वैल्यू 3, हमारी कितनी आ गई 23 आ गई। फिर नेक्स्ट में 23 इंटू 10 प्लस 4, हमारी कितनी आ गई 234। इस तरह से हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। हमने वर्जन वन की रिविजन को कन्वर्ट किया, सिमिलरली वर्जन टू की रिविजन को कन्वर्ट किया अप टू डॉट तक। फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर कर लिया, अगर हमारे डिफरेंट है तो हमें अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर को रिटर्न कर देना है। अगर ये दोनों सेम है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट रिविजन पर जाना है। जैसे मान लो फर्स्ट रिविजन होती 23.45 और सेकंड होती 23.32, हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया था, इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया था, हमने इस डॉट को कुछ नहीं किया था, तो नेक्स्ट आइटरेशन हमें कहां से शुरू करनी है, 4 से और 3 से, तो इस डॉट को स्किप करना है, तो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस ताकि इस डॉट को हम स्किप कर दें और फिर हम नेक्स्ट आइटरेशन में 4 से लेकर आगे वाला पार्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करें, यहाँ पर 3 से आगे वाले पार्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करें और फिर अपना कंपेरिजन को परफॉर्म करें। अगर इस लूप के अंदर हमें कहीं भी मिसमैच मिल गया, जैसे यहाँ पर हमें मिसमैच मिल जाएगा, तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर को रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी अगर 45 ही होता तो हमें कहीं पर भी मिसमैच नहीं मिला, हमारा लूप खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारा वर्जन सेम था, तो यहाँ पर हम जीरो रिटर्न कर देंगे। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल थी, हमें सिंपली दो पॉइंटर लेने थे, हर एक रिविजन को इंटीजर में कन्वर्ट करना था और उसको कंपेयर करना था, अगर सेम है तो हमें नेक्स्ट रिविजन पर चले जाना। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, अगर मैं मान लूं वर्जन वन की लेंथ एम और इसकी लेंथ एन, तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हर बार अपने स्ट्रिंग को एक एक ट्रेवर्स करते जा रहे हैं, बाकी तो हम कुछ कॉन्स्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी टाइम वेलोसिटी इसके लिए क्या आएगी, एम प्लस एन, एक बार वर्जन वन को ट्रेवर्स करने के लिए, एक बार वर्जन टू को ट्रेवर्स करने के लिए, एम प्लस एन। हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया तो हमारी स्पेस कंप्लीट क्या आ जाएगी, ऑफ वन। नाउ फोर्थ में की प्रॉब्लम क्या है, बोथ टू सेव पीपल। इस प्रॉब्लम में हमें एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, एरे का हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वेट ऑफ आईथ पर्सन। साथ में हमें दिया है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बोट्स हैं, लेकिन हर एक बोट केवल मैक्सिमम वेट ऑफ लिमिट, जो भी लिमिट दी हुई है उतना ही वेट वो कैरी कर सकती है। साथ में एक और कंडीशन क्या दी है कि एक बोट एटमोस्ट टू पीपल को ही कैरी कर सकती है, और टू पीपल को कब कैरी कर सकती है, जब उन टू पीपल के वेट का सम हमारी लिमिट से कम हो। बोट की एक लिमिट है वो उतना ही कैरी कर सकती है, और साथ में दूसरी कंडीशन क्या है कि एट ए टाइम मैक्सिमम टू पीपल को कैरी कर सकती है अगर उनका कंबाइंड वेट लिमिट से कम हो। हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स टू कैरी एवरी गिवन पर्सन। अगर हमें इन सारे पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करना है तो हमें मिनिमम कितनी बोट्स लगेंगी। जैसे हमें एग्जांपल दिया है 102, दो पीपल है हमारे, एक का वेट 1 है एक का वेट 2 है, हमारी बोट की लिमिट 3 है, तो ये बोट एक ही बार में दोनों पर्सन को कैरी कर सकती है, तो हमारा एक बोट में काम हो जाएगा, वही हमें रिटर्न करना है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें 3221, लिमिट हमारी क्या है 3, अगर हमारा ये 3 पर्सन इस बोट में जाएगा तो कोई दूसरा पर्सन जा नहीं सकता, तो एक बोट इसके लिए लगेगी, एक बोट में हम 2 और 1 इसको भेज सकते हैं, बचा एक पर्सन, इसके लिए हमें थर्ड बोट लेनी पड़ेगी, मिनिमम हमें 3 बोट्स लगेगी, तो हमें वो रिटर्न करना है। नॉर्मल अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचूं तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक पर्सन लूं और उसके कोरोस्पोंडिंग मोस्ट एफिशिएंट पर्सन फाइंड आउट करने का कोशिश करूं, ऐसा पर्सन जिसको अपने साथ मैं बोट में ले जा सकूं और दोनों का कंबाइंड वेट जो हमारी लिमिट है उसके नियरेस्ट हो। जैसे अगर मैं 2 के साथ 3 को लेकर जाता हूँ तो इसका वेट कितना बनेगा, 5 बनेगा, 7 को लेकर जाता हूँ 2 + 7 9 बनेगा, 9 को लेकर जाता हूँ 11, 10 को लेकर जाता हूँ 12, 15 को लेकर जाता हूँ 17, और अगर मैं 17 को लेकर जाता हूँ तो 19, ये तो मेरा लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। सिमिलरली 18 को लेकर जाता हूँ तो 20, ये भी मेरी लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। इन दोनों को तो मैं नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरा बेस्ट क्या होगा, अगर मैं 15 को लेके जाऊं
उससे मेरा क्या होगा, मैं बोर्ड की कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज करूंगा, 2 + 15 17, ये दोनों पर्सन को एक बोट में ले जाऊं। फिर मैं सिमिलरली नेक्स्ट पर्सन पे जाऊं, उसके लिए मोस्ट एफिशिएंट पर्सन फाइंड आउट करने का ट्राई करूं। और मोस्ट एफिशिएंट पर्सन कैसे मिलेगा, मैं हर एक पर्सन का वेट चेक करूं और देखूं कि किसका कंबाइंड वेट मेरा लिमिट के नियरेस्ट है। तो सिंपली मुझे हर एक पर्सन को चेक करना है एंड साइज, और दूसरा पर्सन एफिशिएंट ढूंढना है, उसके लिए अगेन हर एक पर्सन को चेक करना है, एन इंटू एन मेरी एन स्क्वेयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चली गई, एन स्क्वेयर में। अब इसको मैं बेटर कैसे करूं, इसके लिए आप ऑब्जर्व करो, हम एक बोर्ड में मैक्सिमम 2 पीपल को ही ले जा सकते हैं, तो यानी कि अगर हमें एन पीपल को लेके जाना है तो एटलीस्ट हमें एन बाय 2 इतनी बोर्ड्स तो लगेंगी ही लगेंगी, इससे कम बोर्ड में हमारा काम नहीं चलेगा। हो सकता है हमें इससे ज्यादा बोर्ड की जरूरत हो अगर हमारे सारे हैवी पर्सन हो, लेकिन एटलीस्ट इतनी बोर्ड्स की तो जरूरत पड़े ही पड़ेगी। इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करें, हम हमारे गिवन एरे को सोर्ट कर दें और इसको n बाय टू इन दो हाफ में डिवाइड कर दें। इससे हमारा होगा क्या, अब हमें जो हैवीएस्ट पर्सन है, सेकेंड हाफ वाला हमारा हैवीएस्ट मान लेते हैं, इसका कोरस्पोंडिंग पर्सन हमें फर्स्ट हाफ में ढूंढना है। अगर फर्स्ट हाफ में पर्सन एग्जिस्ट करता है तो हम उसे ले जाएंगे, क्योंकि मिनिमम हमारी एन बाय टू इतनी बोर्ड तो लगनी ही लगनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हैवी पर्सन है उसको लाइट पर्सन के साथ कंबाइन करने का ट्राई करेंगे। हम इसके लिए मोस्ट एफिशिएंट पर्सन फर्स्ट हाफ में देखेंगे, सिमिलरली फिर सेकंड हैवीएस्ट के लिए मोस्ट एफिशिएंट इस हाफ में देखेंगे, फिर थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए। लेकिन इससे भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी क्या हो रही है, पहले एन इंटू एन लग रहा था, अब क्या होगा, हमें इन एन बाय टू के लिए देखना है और इस एन बाय टू हाफ में लूप लगाना है, अभी भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही, एन स्क्वेयर बाय फोर, एन स्क्वेयर में ही रही। तो इसको फर्दर रिड्यूस कैसे करें, हमें अगेन इसी चीज का यूज करना है कि हमारे मैक्सिमम जो बोर्ड पर्सन कैरी कर सकती है वो 2 है, तो हमें हैवीएस्ट पर्सन के लिए हमारे फर्स्ट हाफ में पूरा लूप लगाने की बजाय केवल अगर हम ये देख लें कि वो जो लाइटेस्ट पर्सन है 2 इसके साथ पेयर कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर हैवीएस्ट पर्सन लाइटेस्ट पर्सन के साथ पेयर कर सकता है तो इन दोनों का पेयर बना दो। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हमारी एक बोट मैक्सिमम 2 पीपल को ही कैरी कर सकती है। अगर मान लो हमारी लिमिट 21 भी होती, 18 की जगह 21 होती, और मैं 18 का मोस्ट एफिशिएंट पेयर इस 3 के साथ बना सकता था, राइट, अभी हमने क्या किया, हैवीएस्ट को लाइटेस्ट के साथ कर दिया, 18 और 2 का पेयर बनाया। लेकिन अगर ऑप्टिमल देखो तो 18 और 3 इसका ऑप्टिमल होता, क्योंकि इनका वेट होता 21, लिमिट भी 21 थी, तो बोट की पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज होती। लेकिन क्योंकि मैं केवल 2 ही पर्सन मैक्सिमम कैरी कर सकता हूं, तो अगर मेरी कैपेसिटी बच भी रही है तो मैं उसका यूज नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं 18 का पेयर 3 के साथ बना देता तो मुझे इस 2 को किसी लाइटर पर्सन के साथ कंबाइन करना ही करना पड़ता, और क्योंकि ये वाला 3 मेरा एक हैवियर पर्सन, जो मेरा मोस्ट हैवियस्ट पर्सन था, उसके साथ पेयर बना सकता है, तो ये किसी दूसरे लाइटर पर्सन के साथ तो पेयर बना ही पाएगा, सेकेंड हैवीएस्ट पर्सन के साथ तो पेयर बना ही पाएगा। इसी फैक्ट का मैं यूज कर रहा हूं कि अगर मैं 18 3 बनाऊं, 18 और 3 का पेयर बनाऊं, 2 और 17 का पेयर बनाऊं, तो भी मेरी 2 बोट्स तो लगनी ही लगनी है। इसकी बजाय मैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कैसे कर दूं, मैं मोस्ट एफिशिएंट फाइंड आउट करने की बजाय हैवियर का लाइटर के साथ और सेकेंड हैवियर का सेकेंड लाइटर के साथ इस तरह से पेयर बना दूं, अगर पॉसिबल है तो इस तरह से पेयर बना दूं। मेरा 18 के लिए इस 3 को यूज करने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा, अगेन मुझे इस लाइटर पर्सन को किसके साथ तो फिट करना ही करना पड़ेगा और मेरी नंबर ऑफ बोर्ड तो सेम ही रहेगी। इसी आइडिया का हम यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सिंपली 2 पॉइंटर ले लेंगे, एक लाइटर पर्सन के लिए, एक हैवियर पर्सन के लिए। हमने एरे को ऑलरेडी सॉर्ट किया हुआ है, तो स्टार्टिंग में हमारा लाइटेस्ट पर्सन होगा और राइट साइड में हमारा हैवीएस्ट पर्सन होगा। हम क्या करेंगे, हम इस हैवीएस्ट पर्सन का देखेंगे कि क्या हम इसका लाइटेस्ट पर्सन के साथ पेयर बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो इन दोनों को एक बोर्ड में भेज दो और बचे हुए पोर्शन के लिए चेक करो। यहां पर अगर हम देखें 18 और 2 20, हम इनका पेयर नहीं बना सकते क्योंकि हमारी लिमिट 18 है, तो हैवीएस्ट पर्सन को केला ही बोर्ड में जाना पड़ेगा। अगर ये लाइटेस्ट पर्सन के साथ पेयर नहीं बना पा रहा तो ये किसी के साथ भी पेयर नहीं बना पाएगा और इसे अपनी एक बोट लगेगी, तो हम इसको अपनी एक बोट असाइन कर देंगे और फिर बचे हुए पर्सन को बोट असाइन करने का ट्राई करेंगे। कैसे, हम जे को एक पहले ले आएंगे,
स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वही रहा, क्योंकि से अभी बोट नहीं मिली, हैवी वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। अगेन 17 प्लस 2 19, हमारा लिमिट से ज्यादा है, तो इसका भी हम किसी के साथ पेयर नहीं बना सकते, इसको भी खुद की एक बोट लगेगी। फिर से हम इस जे को यहाँ पर ले आएंगे। अब अगर इसका पेयर बनाए 15 प्लस 2 17, हमारा लिमिट से कम है, तो हम इनका एक पेयर बना देंगे, इनको एक बोट असाइन कर देंगे और बचे हुए पर्सन के लिए अपना बोट को असाइन करने का ट्राई करेंगे। 10 और 3 13, ये भी हमारा लिमिट से कम है, तो इनको भी हम एक बोट असाइन कर देंगे और बचे हुए के लिए असाइन करने का ट्राई करेंगे। 7 और 9 16, ये भी हमारा लिमिट से कम है, तो इनको भी अपनी एक बोट असाइन कर देंगे और बचे हुए के लिए ट्राई करेंगे। अब हमारे सारे के सारे पर्सन खत्म हो गए, ये हमें कैसे पता चला? हमारी आई और जे बाउंड्री क्रॉस कर गई, और हमें टोटल बोट्स कितनी लगी? 1 2 3 4 5, 5 बोट्स में हमारा काम हो गया। तो इस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, एरे को सॉर्ट कर दे रहे हैं, एन लॉग ऑफ एन तो हमें वहां से लगेगा, उसके बाद सिंपली हम टू पॉइंट अप्रोच का यूज कर रहे हैं, तो सिंपली हमारा एक एन साइज का लूप रहेगा। तो ओवरऑल हमारी टेम्पोरिस्टिक आएगी एन लॉग ऑफ एन प्लस एन, जिसमें से हमारा एन लॉग ऑफ एन ये डोमिनेट करेगा। कोड में हमें एक पीपल के वेट्स का एरे दिया था और हमारी बोर्ड की लिमिट दी थी। सबसे पहले हमने हमारे वेट्स को सॉर्ट कर दिया, फिर दो पॉइंटर लिए, एक लाइटेस्ट पर एक हैवीएस्ट पर, एक जीरो इंडेक्स पर एक लास्ट इंडेक्स पर। फिर जब तक हमारी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं हो जाती, यानी कि हमने सारे पर्सन को बोर्ड असाइन नहीं कर दी, तब तक हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि क्या हम लाइटेस्ट और हैवीएस्ट पर्सन को कंबाइन कर सकते हैं, इनके वेट का सम लिमिट से छोटा या इक्वल है, तो हम कर सकते हैं, तो उनका एक पेयर बना दो, उनको एक बोट असाइन कर दो। अदरवाइज जो हमारा हैवियर पर्सन था उसको अपनी एक सिंगल बोट लगेगी। तो अगर लाइटेस्ट पर्सन को कंबाइन कर सकते हैं तो आई को भी एक आगे ले जाओ, जे को भी एक पीछे ले जाओ, लेकिन अगर इनका वेट लिमिट से ज्यादा है तो केवल जे को एक पीछे लेके जाओ, हैवियस्ट पर्सन को उसकी एक बोट लगेगी, और क्योंकि हमने एक बोट असाइन कर दी, अपने आंसर को 1 से प्लस कर दो और लास्ट में जितने हमें बोट लगे वो रिटर्न कर दो। यहां से हमारी टाइम लिस्ट आएगी एन लॉग ऑफ एन, यहां से हमारी आएगी ओ ऑफ एन, ओवरऑल हमारी टाइम लिस्ट क्या आ जाएगी? एन लॉग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या लगेगी? सॉर्टिंग के लिए लॉग ऑफ एन, उसके अलावा हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। तो इस वीडियो में हमने मई 1 से मई 4 की डेली चैलेंज की प्रॉब्लम डिस्कस करी, जिनकी थीम क्या थी? टू पॉइंटर्स। आई होप कि आपको ये चारों प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मई 5 से 7 ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिनकी थीम क्या है? लिंक्ड लिस्ट। थैंक यू गाइस।